दोस्तों सैमसंग अपना एक न्यू डिवाइस इंडिया में लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी A90। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A90 के फीचर के बारे में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस स्मार्टफोन के विषय में ज़्यादा जानने के लिए तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई मोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट अपने चैनल पर लाते रहता है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.7 इंच की OLED टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है सैमसंग गैलेक्सी A90 में। इसी के साथ दोस्तों हमें इस स्मार्टफोन में 6GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज देखने को मिल सकता है। ये स्मार्टफोन इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च होगा, 4GB एंड 6GB। तो हमें 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज एंड 6GB के साथ 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के रियर कैमरों के बारे में, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल रियर कैमरे देखने को मिल जाएंगे। 48 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा होगा, सेकंड कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का, और लास्ट का जो कैमरा होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का। बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो 25 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी A90 में। यहीं पे इस स्मार्टफोन में हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी A90 में देखने को मिल सकता है। बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमें 3700mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे बात करें इंडियन मार्केट में जो इसका प्राइस होने वाला है, तो इसका जो प्राइस होगा इंडियन मार्केट में वो होगा 50,999 रुपये। इसी के साथ दोस्तों बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमें नवंबर एंड दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है इंडिया में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई मोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट अपने चैनल पे लाते रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही।